आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बुक कीपिंग का टॉपिक। बुक कीपिंग आपको कहाँ स्टडी करने को मिलता है? अकाउंट्स में। जब आप 11th कॉमर्स में एंट्री करते हैं, अकाउंट्स की बुक देखते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये टॉपिक स्टडी करने को मिलता है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग को हम हिंदी में पुस्तक पालन भी बोलते हैं। बुक कीपिंग रियलिटी में है क्या, ये जान लेते हैं। बुक कीपिंग रियलिटी में एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस की डीलिंग्स को रिकॉर्ड करना होता है। कहां पर? ए सेट ऑफ बुक्स में। हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं, उस बुक्स के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को, डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, बिजनेस की जो भी डीलिंग्स होती हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर? इन ए सेट ऑफ बुक्स। हमारे पास जो बुक्स हैं वहां पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं। बुक कीपिंग के अंदर बेसिकली चार एक्टिविटीज आती हैं। पहली एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। रियलिटी में क्या होता है, बिजनेस में काफी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। अब इन सारी ट्रांजेक्शन में से हमें फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई, इन ट्रांजेक्शन में से हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस थी, हमने उनको अभी पैसे में कन्वर्ट करना है, मनी में कन्वर्ट करना है। मनी में कन्वर्ट कर लिया, अब आप क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, आपने उसकी एंट्री करनी है। कहां पर? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कुछ परचेज करते हो, कुछ खरीदते हो, और अगर आपको कहीं लिखना है तो कागज पे लिखना तो पड़ेगा, पैसे की फॉर्म में क्या लिखोगे कि मैंने एक जींस ली 2000 रुपए की। आपने जींस, उस प्रोडक्ट का नाम लिखा और उसकी मनी वैल्यू लिख दी। इसी तरह से थर्ड स्टेप के ऊपर आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। मैंने परचेज की कितने की, 2 लाख की। मैंने सेल की 2 लाख की। मैंने मशीन परचेज की 10,000 की। मैंने मशीन सेल की 50,000 की। तो प्रोडक्ट का नेम, ट्रांजेक्शन्स का नेम और उसके आगे मनी में उसकी वैल्यू, उस ट्रांजेक्शन को हमने कितने में किया, वो ट्रांजेक्शन्स रुपीज में, मनी में कितने में हुई, इस तरह से उन ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स में एंट्री कर देते हैं। ये बुक्स आपकी जर्नल एंट्रीज की भी हो सकती हैं या आपकी सब्सिडरी बुक्स भी हो सकती हैं। जैसे जैसे आप आगे अकाउंट्स की बुक स्टडी करेंगे तो आपको ये टॉपिक स्टडी करने को मिल जाता है। या तो हम जर्नल एंट्रीज वाली बुक मेंटेन करते हैं या सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया, उसको मनी में कन्वर्ट किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद अब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। परचेज वाली ट्रांजेक्शन अलग कर देना, सेल्स वाली अलग कर देना, राम से जितनी ट्रांजेक्शन की वो राम की बुक में लिख देना, शाम से जितनी ट्रांजेक्शन की वो शाम की बुक में लिख देना। मतलब फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर लेजर रेडी करने होते हैं, LEDGER। कुछ लोग इसको लेजर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेजर भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है। ऐसा समझ लीजिए कि थर्ड स्टेप के ऊपर आकर आपने एक रफ नोटबुक बनाई थी, फोर्थ स्टेप के ऊपर आपको फेयर नोटबुक्स बनानी है, जैसे कि आप स्कूल या कॉलेज में भी करते हैं। स्कूल या कॉलेज में हम क्या करते हैं, एक रफ नोटबुक बनाते हैं, उसी में ही सारा काम करते रहते हैं, सारे सब्जेक्ट रफ नोटबुक में ही लिख देते हैं। घर पे जाके हम क्या करते हैं, फेयर नोटबुक्स में अलग अलग काम करते हैं। इंग्लिश का काम अलग इंग्लिश की नोटबुक में, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स की नोटबुक्स में, अकाउंट्स का अकाउंट्स की नोटबुक के अंदर। इसी तरह से ही हमने यहाँ पे क्या किया है, फेयर नोटबुक्स बना दी है। तो ये हुआ हमारा एक्टिविटीज, बेसिकली बुक कीपिंग की चार एक्टिविटीज। अब मैं आपको बता देता हूं कि बुक कीपिंग का काम आप रोटीन नेचर में कर सकते हो, ये काम क्लर्क भी कर सकता है। जिसको लिमिटेड नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है बुक कीपिंग का काम, वो पर्सन भी कर सकता है। और आजकल ये काम बेसिकली कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत ज्यादा होने लगा है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक बुक कीपिंग को लेकर। अगर आप कुछ और प्लेलिस्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज भी देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी वीडियोज आ जाएंगे। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।